चलो शुरू करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम स्टार्ट करेंगे, पहले समझेंगे हायरार्की क्या होती है। पॉलिटी में पहली चीज, मतलब कि इसमें हम समझने जा रहे हैं क्या कि हायरार्की, अगर किसी स्टेट में कोई फंक्शन हो रहा है या सेंटर में कहीं पर कोई फंक्शन हो रहा है, तो उसमें जो कुर्सियाँ लगाई जाएंगी वो कुर्सियाँ किस तरीके से लगाई जाएंगी, यानी पहले कुर्सी पर कौन बैठेगा, उसके बाद कौन बैठेगा, उसके बाद कौन बैठेगा, है ना। हायरार्की हम, हेलो, अरे जैसे अगर हम कहते हैं ना कि किसी को हमें प्रेफरेंस देना है, प्रेफरेंस में हम फर्स्ट नंबर पर किसे रखते हैं, सेकंड नंबर पर किसे रखते हैं, थर्ड नंबर पर किसे रखते हैं, तो वैसे ही सपोज सपोज करके एक कॉलेज है, ठीक है, TCSC कॉलेज है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है और यहाँ पर इस कॉलेज में प्रेसिडेंट आने वाले हैं, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, फिर जो कि राज्य के गवर्नर आने वाले हैं, IAS अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आने वाले हैं, सब लोग समझ ले आने वाले हैं, ठीक है। तो तुम लोग को ये तो बोलेगे नहीं अपने घर से बोरा लेकर आओ और वहीं बिछा के बैठ जाना, ऐसे नहीं बोलेगी ना, इनके लिए कुर्सी लगाएगी। तो वो कुर्सी का तुझे क्या लगाना होगा, ऐसे थोड़ी कि वो टेंट हाउस में से लाल वाली कुर्सी लेकर आएगी और लगा देगी, आओ सब बैठो, ऐसा तो होगा नहीं। इनके लिए अब जो चेयर लगेगा वो इनके पावर के हिसाब से लगेगा, यानी कि जो बीचों बीच में रहेगा प्रेसिडेंट का, फिर उनके बाजू में जो रहेंगे वाइस प्रेसिडेंट दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पे अगर प्रधानमंत्री आए तो वो लग जाएगा, ठीक है, फिर चौथे नंबर पर ऐसे ही गवर्नर का लग जाएगा। तो हम लोग पहले समझते हैं हायरार्की क्या होती है, ठीक है। हायरार्की इसी को कहते हैं हायरार्की, कि हम किसको कौन से नंबर पर रखते हैं, ठीक है। तो हायरार्की, हायरार्की देख, हायरार्की की अगर बात करते हैं तो सबसे ऊपर जो नंबर आता है हमारे देश के फर्स्ट नागरिक, प्रथम सिटीजन, प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट। फिर क्या, किसको वोट देते रहेंगे, अरे पागल है क्या, प्रेसिडेंट वोट देने जाएंगे वो वो फर्स्ट नागरिक है उनका, तू बोल तेरे देश का कोई राजा है तो तू राजा को बोलेगी, ए राजा हम लोग इलेक्शन करवा रहे हैं तेरे मंत्री का, चल वोट दे। अरे तू क्या बात करती है यार, मैं तुझे क्या बोलूं, वो समझ में आया, कोई राजा है, ठीक है, इस राजा के अंडर में सारे मंत्री संतरी काम करते हैं और इन मंत्रियों का सिलेक्शन जो है आम जनता कर रही है, तो आम जनता ये भी कहेगी क्या, राजा तुम भी वोट दो। आम जनता ये करेगी, तो प्रेसिडेंट देश के पहले नागरिक होते हैं, उनका सम्मान, उनका पद इतना बड़ा होता है कि फिर उनके अंडर में सारे लोग समझ ले काम कर रहे हैं एक तरीके से ना। हाँ तो प्रेसिडेंट उसमें थोड़ी करने आएंगे उंगली कि हाँ चलो ये बीजेपी पार्टी मैं वोट दे दे रहा हूँ, वो निरपेक्ष होते हैं, उनके अंडर जो भी पार्टियां, जो जनता जिसे चुन करके भेजेगी वही उनके अंडर काम करेंगे, वो खुद कभी नहीं चुनने जाएंगे कि हाँ ठीक है मैं इस पार्टी को वोट दूंगा या उस पार्टी को वोट दूंगा, एक बार वो उस पोस्ट से हट जाओ उसके बाद तुम्हें वोट दे सकते हो। प्रेसिडेंट वोट करने के जाएंगे, ठीक है। दूसरा नंबर पर आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। तीसरे नंबर पे आते हैं प्रधानमंत्री, PM, प्राइम मिनिस्टर। क्या हुआ,
नहीं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट बनाया गया है, प्रेसिडेंट ना रहे तब जा करके वहां बैठ जाऊं मैं, समझे? इसीलिए दूसरे नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं, तीसरे नंबर पे प्राइम मिनिस्टर, चौथे नंबर पे आते हैं गवर्नर। गवर्नर, लेकिन गवर्नर की कुर्सी चौथे नंबर पर तभी लगाई जाएगी जब कोई फंक्शन, जैसे मान ले यूपी है, ठीक है, यूपी, और यूपी के गवर्नर कौन? आनंदीबेन पटेल, है ना? तो अगर यूपी में कोई फंक्शन हो रहा है तो जब चेयर लगेगी तो पहले नंबर पर प्रेसिडेंट, दूसरे पर वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे पर प्रधानमंत्री, और चौथे पर जो कि कौन आएंगी? आनंदीबेन पटेल। लेकिन समझ ले, समझ ले, ये है बिहार, ठीक है, बिहार में जो है कोई फंक्शन हो रहा है और वहाँ पर ये आनंदीबेन पटेल को भी बुलाया गया है, तो आनंदीबेन पटेल का कुर्सी यहाँ चौथे नंबर पे नहीं लगेगा। हाँ, पहले यहाँ जो बिहार का गवर्नर होगा उसका लगेगा, उसके बाद जो कि इनका लगेगा, समझ में? तो चौथे नंबर पर जो ये गवर्नर होते हैं वो उनके खुद के स्टेट में ही चौथा नंबर उनका इज्जत होता है इतना, बाकी दूसरे अगर स्टेट में गए तो उनका चौथे नंबर पर नहीं लगेगा, ठीक है? तो गवर्नर का फोर्थ नंबर पर कब लगता है? ऑन ऑन इट्स ओन, इन इट्स ओन स्टेट, इन इट्स ओन स्टेट, बस में। हाँ, फिर उसके बाद पांचवें नंबर पर आते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट, ठीक है। छठवें नंबर पर कौन आएगा? तो छठवें नंबर पर आते हैं लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर, स्पीकर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, ठीक है। और सातवें नंबर पर आते हैं, सातवें नंबर पर आएंगे जो बाकी के मिनिस्टर्स होंगे, मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर जितने भी डिपार्टमेंट के होंगे, रक्षा मंत्री, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, टूरिज्म मिनिस्टर, रोड मिनिस्टर, वो सारे के सारे मिनिस्टर्स आएंगे, और अपोजिशन लीडर, अपोजिशन लीडर, ठीक है। उसके बाद आठवें नंबर पर रैंकिंग रखी जाती है जो भारत रत्न अवार्डी होते हैं, जिन्हें भारत रत्न मिला होता है, भारत रत्न अवार्डी, बात समझ में आई? और उसके नीचे फिर आते हैं सब ऑफिसर लोग, जैसे जज, ठीक है, कैग हो गया, CAG, UPSC का जो हेड हो जाएंगे, ठीक है, जितने भी ऑफिसर रहेंगे, DM, VM, CM, सब यहाँ नौवें नंबर पे आते हैं। क्लियर हुआ? हाँ, तो हायरार्की में सबसे नंबर वन पर कौन आता है? हाँ, तो स्टार्टिंग के चार पांच याद रखना, पहले पर प्रेसिडेंट, दूसरे पर वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे पर प्रधानमंत्री, चौथे पर गवर्नर अपने खुद के स्टेट में, पांचवें पर फॉर्मर प्रेसिडेंट, और छठवें पर स्पीकर और CJI, ठीक है, इतना ये याद रखना हायरार्की के मामले में, ठीक है। अब हम समझते हैं कुछ चीजें इंटरेस्टिंग, कि भारत में हमें कुछ बॉडीज देखने को मिलती हैं, डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, उनके बारे में समझते हैं। बॉडीज या डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट देख, इसमें तुझे तीन टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा,
जैसे एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरा होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, और तीसरा होता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल मैं समझाता हूँ, ठीक है? अब देख, ठीक है, देख, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम किताब की बात कर ले अपना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान है ना, हमारा बुक है भारतीय संविधान। वी द पीपल ऑफ इंडिया, मुझे याद है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली डिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट। डरने वाली कौन सी बात है? अरे यार, एक तो डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो थाम ना जरा। मैं बोलूंगा नहीं तो वीडियो में क्या बोल रही है? तेरे इधर इतनी आवाज क्यों हो रही है? देख, ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारतीय संविधान। इस भारतीय संविधान में जितने भी आर्टिकल दिए हुए हैं और जिन जिन बॉडी के बारे में बात की हुई, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ठीक है, यूपीएससी हो, ठीक है, इलेक्शन कमीशन हो, जो कुछ भी दिया हुआ है डिपार्टमेंट जिनका एक कुछ ना कुछ आर्टिकल है, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। बात समझ में आई? आर्टिकल यानी एक से लेकर के 395 के बीच में जितना कुछ आ जाता है ना, वो सब के सब क्या कहलाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब देख, ये जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल को कभी कभी हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। अब इस नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, एक को हम कहते हैं स्टेटूरी और एक को कहते हैं एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, स्टेटूरी बॉडी, और एक होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी। ध्यान से समझना, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। स्टेटुअरी बॉडी उसे कहते हैं जिनको पार्लियामेंट में बनाया जाता है। पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, यानी कि इन तीनों से गुजर करके जिस भी बॉडी का निर्माण होगा उसे हम कहेंगे स्टेटुअरी बॉडी, ठीक है, याद रखना। जिसे किसमें बनाया गया हो, मेड बाई पार्लियामेंट, मेड बाई पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन आ जाएगा? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा और पी से प्रेसिडेंट, ठीक है। अरे यार,
ये तीनों मिल करके जिस बॉडी को बने, यानी कि कोई भी बिल है राज्यसभा से पास हुआ, लोकसभा से पास हुआ, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमको ये बॉडी बनानी है और वो बॉडी बन गई। ठीक है, पहले समझ फिर मैं इसका एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा तुझे। ठीक है, हाँ। और ऐसी बॉडी जिसे ना कोई सरकार बनाती हो, जैसे 5 साल के लिए अगर कोई सरकार आई, बीजेपी सरकार आई, बीजेपी सरकार को लगा कि मेरे लिए अच्छा है कोई बॉडी बना दूँ मैं। ठीक है, तो वो अपने आप से जब कोई गवर्नमेंट किसी बॉडी को बनाती है उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। देख, एग्जीक्यूटिव बॉडी उसे कहते हैं जिसे कोई गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट बनाती है मतलब कि जैसे ये पीएम है कौन, मोदी साहब। मोदी साहब ने सोचा कि हमारे यहाँ जो जितने एमपी वगैरह हैं ना, उन एमपी से कहते हैं कि एक काम करो, जितने भी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं उन सबको इकट्ठा करो और उनको मिला करके एक डिपार्टमेंट बनाओ, जो डिपार्टमेंट क्या करेगी ये देखेगी कि भारत में एजुकेशन कैसा है, एजुकेशन के बारे में पूरी मुझे रिपोर्ट चाहिए 5 साल के लिए, 5 साल का। ठीक है, एजुकेशन के बारे में, यानी ये डिपार्टमेंट ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है और ना ही पार्लियामेंट में से पास करवाया जाएगा। पीएम क्या करेंगे, अपने सारे जितने भी मंत्री हैं उनसे डिस्कस करेंगे और सारे जितने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं उनको बुलवाएंगे और मान ले कि कह दिया मुझे एक डिपार्टमेंट बनाना है, एजुकेशन सर्वे डिपार्टमेंट, एजुकेशन सर्वे डिपार्टमेंट। ठीक है, तो वो बना सकते हैं क्योंकि उनकी सरकार है, वो देश के वेलफेयर के लिए या जैसा भी चाहते हैं उन वो अपना क्या कर सकते हैं, एक डिपार्टमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसका खर्चा पैसा वो खुद ही उठाएंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ सही बात है ना। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की अगर बात करेगी तो पार्लियामेंट तुझे लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों का सहमति चाहिए, तीनों में से पास होनी चाहिए। हाँ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बनाने के लिए तुझे मेजोरिटी कहाँ चाहिए रहेगी, लोकसभा में। बस लोकसभा में अगर तेरी मेजोरिटी है तो तेरी गवर्नमेंट है। ठीक है, क्या गवर्नमेंट का राज्यसभा से कुछ लेना देना है, प्रेसिडेंट से कुछ लेना देना है? बात खत्म। तो जिस बॉडी को गवर्नमेंट बनाएगी, अभी देख तेरे को समझाऊंगा तो तुझे सटाक से समझ में आ जाएगा, मेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, हाँ। देख तू सुनती आ रही होगी प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन। क्या प्लानिंग कमीशन, हमने पूरा संविधान पढ़ लिया, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, कहीं प्लानिंग कमीशन का नाम आया था इसमें? तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल होगी? क्या कभी तूने सुना था कि प्लानिंग कमीशन को एक लॉ बनाया गया था, लाइक लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के द्वारा करा गया है? प्लानिंग कमीशन को जब ये कांग्रेस गवर्नमेंट थी यानी जवाहरलाल नेहरू के टाइम में ही क्या किया गया था, अब वो चीज इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा कि प्लानिंग कमीशन कैसे बना था। ठीक है, उसे उस वक्त की सिनेरियो को देखते हुए देश की हित के लिए हमें हर 5 साल में क्या बनाना है, देश के लिए एक प्लानिंग करनी होती है। जैसे करनी होती है ना, हम पढ़ रहे हैं तो हम लोग ने प्लानिंग किया है कि एग्जाम आने से पहले 10-15 दिन तक हम लोग पूरा सिलेबस जो भी होगा उसको कवर कर लेंगे और बाकी के 10-15 दिन सिर्फ रिविजन करेंगे और सी सेट करेंगे। ये हमारी प्लानिंग हो गई। क्या इसके लिए हमने कहीं कुछ लिखा है, ऐसे कोई परिवर्तन किया, कोई जो कि किताब लिखी इसके बारे में? नहीं। तो हम अपने घर में गवर्नमेंट तो हम ही हो गए ना, हमने ही ये डिसीजन लिया और हमने बना दिया है ना। तो उस वक्त मतलब कि जब देश आजाद हुआ था तो देश आजादी के बाद जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उन्होंने बनाया था प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन क्या थी, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। लेकिन बाद में 2014 में मोदी जी आए
मोदी जी ने क्या कहा, प्लानिंग कमीशन में हमेशा बताना पड़ता है कि कितने साल का प्लानिंग है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, जनता सवाल पूछती है, इसे नीति आयोग बना दो। उन्होंने प्लानिंग कमीशन को गायब कर दिया और क्या बना दिया, नीति आयोग। अब समझ में आया क्या, नीति आयोग को बनाने के लिए लोकसभा राज्यसभा से पास करवाया गया था बिल? नहीं, नीति आयोग। अब क्लियर हुआ एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है। हाँ, लेकिन तूने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सुना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, अगर एक्ट लगा है तो जाहिर सी बात है ये लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट के थ्रू गुजरा होगा। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या सारे जानवरों की देख रेख, पेड़ पौधों की देख रेख करने के लिए कोई डिपार्टमेंट बना होगा कि नहीं बना होगा? बना होगा। क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है? नहीं। तो अब बता, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी कि स्टेटोरी बॉडी होगी? स्टेटोरी होगी। क्यों? क्योंकि वो लोकसभा राज्यसभा और पार्लियामेंट, अरे प्रेसिडेंट, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों से गुजर करके गया हुआ है। उसके लिए बिल पास करवाया गया था कि बाघों की संख्या कम हो रही है, उन्हें बचाना पड़ेगा, है कि नहीं? ऐसे ही NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT के लिए भी जो कि लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट के पास से गुजरना पड़ा होगा, NGT, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो तीनों कोर्सेस से गुजरे, यानी लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट के थ्रू होकर जाए और उसके बाद जिस डिपार्टमेंट को बनाया जाए वो होता है स्टेटोरी, और वैसे बॉडी जिसको गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट जो रहती है वो बनाती है, उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। ये दोनों ही बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई रहती है, इसलिए हम इसे कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। बात समझ में आया? अब तुझे इसे मैं आम भाषा में समझाता हूँ। देख, आम भाषा में अगर मैं कहूँ कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि तुझे दाहिने हाथ से खाना है कि बाएं हाथ से खाना है, ये तो हमारे घर के नियम कानून है ना। समाज समाज में ऐसा चलता है कि दाहिने हाथ से खाओ बाएं हाथ से धो, है ना। इसलिए बचपन में कोई बच्चा अगर बाएं हाथ से पेन पकड़ के लिखता है या बाएं हाथ से खाता है तो उसको बड़ी मार पड़ती है कि नहीं? तो अब दाहिने हाथ से खाना या बाएं हाथ से खाना, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन किसी को खिला खिला के मार देना, वो बताओ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होगा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऐसी चीजें होती हैं जिसपे कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम उस पर रिस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन है। किसी को चाकू घोप के हत्या कर दो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। किसी का रेप कर देना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बात समझ में आई? हाँ, तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी समझा क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, प्रोहिबिटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोहिबिटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल मर्डर, रेप, ठीक है। इतने से समझ जाएगी अनकॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या कि गिवन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, गिवन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कौन से पार्ट से? पार्ट एक से लेकर के 22 तक। पार्ट एक से लेकर के 22 तक के बीच में जो भी चीज दी हुई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कहलाएगी। बात समझ में आई?
अब बता, सीआईडी क्या कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है? उसे सेंटर ने पास करके बनाया होगा ना वो डिपार्टमेंट, तो वो एग्जीक्यूटिव में आएगा कि स्टेटूरी में आएगा? एग्जीक्यूटिव में। उसके बाद अगर हम कहें सीबीआई, हाँ ठीक है, तो सीबीआई की अगर हम बात करें, एग्जीक्यूटिव ठीक है, अगर हम कहें कि जो सेबी होता है, सेबी सेबी क्या करती है? सिक्योरिटी एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया है ना, स्टील अथॉरिटी वगैरह पर सब ध्यान रखती है सेबी, बड़े बड़े कंपनियों पर देखती है ना। तो ये क्या है? ये स्टेटोरी बॉडी है। इसके लिए क्या किया गया था? एक्ट पास किया गया था। ठीक है, अब मैं तुझे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। एग्जांपल ऑफ स्टेटुअरी बॉडीज। देख ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और वहाँ लगा देता हूँ। अंदर भी चाहिए क्या तेरे को? स्टेटरी बॉडी ओपन कहाँ से होगा? यहीं से होगा क्या? अरे यार उतना है ही, स्टेटूटोरी बॉडी। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ लगा देता हूँ स्टेटुअरी बॉडी का एग्जाम्पल। ठीक है, देख ये जितने भी है चीजें, जितना तुझे ट्रिब्यूनल दिखेगा, कमीशन दिखेगा ना, मोस्टली वो सब के सब स्टेटुअरी बॉडी में आ जाते हैं। उन्हें एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट से पास करके बनाया जाता है। ठीक है, अब मैं एग्जीक्यूटिव बॉडी में देख लेता हूँ। एग्जाम्पल ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडीज। क्यूटी ओके, एग्जीक्यूटिव ब्रांच का सर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव बॉडीज कहाँ आ जाएगा? एग्जाम्पल देखने को बोल रहा हूँ फिर। स्टेटरी बॉडी ये देख, जैसे मैंने ऐसे बताया था ना, इसमें अच्छा दिया है ये स्टेटरी बॉडी का, क्योंकि साथ में साथ एक्ट भी दे दिया है, तो ये अच्छा रहेगा। इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। तुझे टर्मिनोलॉजी समझ में आया ना? हाँ, अब भूलना नहीं। और इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज,
या एग्जीक्यूटिव बॉडीज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी में तेरा देख नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जितने भी है ना, ये सब इसमें आ जाएंगे। इसको हटा दो। ठीक है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना? भारत के संविधान में जो भी चीज़ें दी हुई हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगी। बस समस्या जहाँ लोगों को होती है वो होती है एग्जीक्यूटिव। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में दिक्कत होती है। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ये चीज़ समझ में आ गया कि नहीं? बहुत सही, ठीक है। ये तीनों टर्मिनोलॉजी अच्छे से याद रखे रहना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे बॉडीज़ के बारे में, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट के बारे में देखते हैं जो क्या करते हैं, रेड वगैरह करते। रेड रेड समझती है क्या? है ना, कहते हैं IT का छापा पड़ गया, CVC का छापा पड़ गया, ED का छापा पड़ गया, है ना? हाँ, तो वैसे चीजों के बारे में समझते हैं। आ जा, डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट का बाप होता है एक CVC। डिपार्टमेंट्स, CVC, CVC, इसको कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, विजिलेंस कमीशन, ये क्या करता है? ये किसी भी डिपार्टमेंट पर छापा मार सकता है। डिपार्टमेंट पर, आदमी पर नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट पर छापा मार सकता है, ठीक है। कोई जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोई DM है, किसी को पता चला कि ये DM बहुत घूस लेता है, ठीक है, तो और उसकी जानकारी उसने किसे दे दी? CVC को, तो CVC उसके पीछे पड़ जाएगी एकदम, ठीक है। और एक ऐसा मौका देख करके देखेगी कि बस आ गए चंगुल में, उन्हें लपेट लेगी। बस नहीं, तो ये किसी भी डिपार्टमेंट पर छापा मारने का जो अधिकार होता है वो CVC का होता है, ठीक है। प्रोब कर सकता है किसी डिपार्टमेंट का, प्रोब मतलब जांच। एनी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट जैसे कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो गया किसी के यहाँ छापा मारने और उसको पता चला कि 20 करोड़ का घोटाला है इधर उधर, 20 करोड़, ठीक है। अब छापा मारेगा तो जो आदमी रहेगा उसको 20 करोड़ भरना रहेगा, ऊपर से चोरी करने के जुम्मे उसे जो कि क्या होगी, सजा भी होगी। तो IT डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर रहेगा बोलेगा तब क्या किया जाए, तो जो मंगरू रहेगा बोलेगा एक काम करिए, 10 करोड़ आप ले लीजिए, है ना, 10 करोड़ आप ले लीजिए। और 10 करोड़ गया IT डिपार्टमेंट का जो हेड रहेगा, जो गया रहेगा उसके जेब में, और उसमें से थोड़ा थोड़ा सबको 1 लाख 2 लाख 4 लाख बांट के बाकी सब हड़प जाएगा, और मंगरू भी बच गया और यहाँ पर छापा भी कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही अब अगर ये IT डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर घोटाला करने लगे तो उनकी जांच के लिए कौन जाएगा? CVC, ठीक है। हाँ, तो ये वो मुझे नहीं मालूम है CVC अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है। वो मुझे जहाँ तक लगता है कि वो
पूरे जो छठे छठे लोग होते होंगे ना, वही इसमें रखे जाते होंगे सीबीसी में, कई साल के एक्सपीरियंस्ड है ना, तभी इसमें ठीक है। तो किसी पर उसके बाद आता है ईडी, ईडी डिपार्टमेंट। ईडी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट क्या करता है, किसकी जांच करता है? तो ये किसी की प्रॉपर्टी से रिलेटेड जांच करता है, यानी किसी ने लाखों की प्रॉपर्टी बना ली, ठीक है, और वो इस बात का पता लगाएगा कि भाई ये लाखों का जो पैसा है वो कहाँ से इसका आया है, ये लीगल है इलीगल है, कहीं ब्लैक मनी के यूज़ किया हुआ है, टैक्स वैक्स भरा है कि नहीं भरा है। तो ईडी का छापा जब पड़ता है बड़े बड़े लोगों पर पड़ता है जो बहुत अधिक प्रॉपर्टी वगैरह बना लिए होते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर जांच करना रहेगा तो कौन करेगा? ईडी, प्रॉपर्टी रिलेटेड, ठीक है, ईडी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। लेकिन अगर ईडी पर जांच करना रहेगा तो कौन करेगा? सीवीसी, ठीक है। फिर वैसे ही होता है आईटी डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स यानी कि लोगों लोग कोई बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है और उस पर अपनी इनकम का वो जितना उसे टैक्स देना चाहिए वो टैक्स नहीं दे रहा है, टैक्स की चोरी कर रहा है, इन सब की जांच करने कौन जाएगा? इनकम टैक्स जाएगा, ठीक है, इनकम टैक्स। इतना क्लियर हुआ? ओके। उसके बाद अगर कोई इंसान जीएसटी चोरी कर रहा है, जीएसटी, तो जीएसटी के लिए भी बना हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए भी जीएसटी का डिपार्टमेंट है, वो क्या भेजेगा? नोटिस भेजेगा, भैया जीएसटी भर दो, जीएसटी नहीं भर रहे हो तुम, है ना, किसी का दुकान उकान है बड़वा बड़ा तो उसके उसको जीएसटी भरना जरूरी है। एक्चुअली जीएसटी जो भरते हैं ना उनके लिए फ़ायदा ही होता है, ठीक है, क्योंकि तेरा पैसा वापस से थोड़ा सा रिटर्न में आता है। हाँ, जीएसटी भरने पर, जैसे कि देख कैसा है कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वगैरह लेते हैं, मोबाइल अगर मोबाइल 10,000 का है तो इस पर जो कि सरकार क्या करती है, 10 से 15% 12% जो कि जीएसटी ठोक देती है, और इसका दाम जो कि 15,000 चला जाता है, ठीक है, 15 से 20 हज़ार। लेकिन जब तू जीएसटी भरेगी ना तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा इसमें जीएसटी का लगा हुआ है ना वो रिटर्न आता है, जब तू रिटर्न फाइल करवाएगी ना अपना, हाँ, तो वो रिटर्न आ जाता है फिर, तो इसलिए ये फायदा में रहता है जीएसटी वीएसटी भरना। गवर्नमेंट को कुछ कुछ टाइम के लिए पैसा लेके गवर्नमेंट रखी थोड़ी रहती है, जब गवर्नमेंट तेरे से पैसा लेती है तो 1 महीना 1.5 महीने के लिए वो पैसा घुमा देती है ना, गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर देती है, तो 1-2 महीने में गवर्नमेंट का निकल जाता है प्रॉफिट, ठीक है। देख किसी भी इंसान के पास पैसा होना ये बहुत अच्छी बात नहीं है, उस पैसे का किस तरीके से तुम इस्तेमाल कर रहे हो वो अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट करना। तुम्हारे पास 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया घर पे रख के कोई मतलब नहीं है, अंडा है वो से सेव करके कुछ मतलब नहीं है, उसको इन्वेस्ट कर दो तुम, 1 महीने 10 दिन 20 दिन के लिए, चाहे जितने ही दिन के लिए लेकिन इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। ओके। फिर आता है इसी तरीके से जो कि सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पहले सीआईडी के बारे में समझ लेते हैं। सीआईडी क्या होते हैं? सेंट्रल डिपार्टमेंट होती है, मतलब कि सेंटर पर इसका जो अधिकार रहता है वो सेंटर का रहता है, ठीक है। अगर किसी भी स्टेट में अगर इन्वेस्टिगेशन करवाना है तो सीआईडी करेगी, लेकिन किसी पर्टिकुलर स्टेट में ही अगर वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है इन्वेस्टिगेशन करना तो सीबीआई करेगी। बात समझ में क्या? अरे उल्टा हो तो मैंने उल्टा बोल दिया क्या? हाँ उल्टा बोल दिया मैंने, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो का होता है और सीआईडी स्टेट का होता है। सी
सीबीआई का छापा होता है ये सेंटर का होता है, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और सीआईडी का क्या होता है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। हाँ बरोबर, ये होता है कौन लोग क्राइम चेक करते हैं। हाँ तो क्राइम ही चेक करते हैं ना, हाँ तो ऐसा नहीं है कि सब वो जो कि पैसे वाले पे, ये सीबीआई सीआईडी ये सब डिपार्टमेंट है, ये लोग क्राइम से रिलेटेड बात करते हैं। अभी रुक जा, मुझे लिखने दे, फिर मैं तेरे को समझाता हूँ। अभी यहाँ देख, इन्वेस्टिगेशन के लिए आएगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है ना, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो देख, जैसे इलेक्शन का माहौल था और बिहार के एक एक्टर थे, वो राजपूत, क्या नाम था, सुशांत सिंह राजपूत, हाँ, उनकी जो कि आत्महत्या वो हुआ था, आत्महत्या किया था, सुसाइड मुंबई में, ठीक है। लेकिन इलेक्शन का माहौल था तो वहाँ से जो है सेंटर से किसे भेज दिया गया, सीबीआई को भेजा गया, ठीक है, सेंटर से सीबीआई को भेजा गया, ठीक है। और वही अगर इलेक्शन नहीं होता तब जो कि अगर मांग होती कि नहीं ये जो सुसाइड हुआ है उसकी जांच कराई जाए, तो सीआईडी जाती स्टेट की, चाहे वो अपने ये क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में हुआ था तो महाराष्ट्र की जो सीआईडी रहती है वो जाकर के उसके बारे में जांच करती कि अच्छा कैसे हुआ, क्या हुआ, किसने मारा, रिया चक्रवर्ती का क्या रोल है, ठीक है। हेलो, हाँ बोल। सीबीआई ऊपर आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ा होता है या स्टेट गवर्नमेंट बड़ा होता है? तो सीबीआई जो होती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। सीबीआई का कुछ भी करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, यानी सीबीआई जो है ना, सीबीआई वो किसी भी स्टेट में जाकर के चेक कर सकती है किसी भी केस को, ठीक है। सीबीआई को ऑर्डर कौन दे सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट दे सकती है, हाई कोर्ट दे सकती है, ठीक है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, इसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट, ये दो इम्पोर्टेंट होते हैं, ये इसको ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो आता है सीआईडी, सीआईडी ये होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ये किसी स्टेट में हुए मामले की जांच करता है। जैसे हर स्टेट की अपनी सीआईडी होती है, महाराष्ट्र की महाराष्ट्र सीआईडी रहेगी, बिहार की बिहार, यूपी की यूपी, मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश सीआईडी रहेगी, ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, स्टेट गवर्नमेंट, यानी इसको ऑर्डर कौन देगा, उस स्टेट की हाई कोर्ट या गवर्नमेंट, ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, फिर अगर देश में कहीं भी जो कि क्या हो रहा है, ड्रग्स व्रग्स का धंधा चल रहा है, तो उसकी जांच के लिए एक बॉडी को बनाया गया है, एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, है ना, एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अभी वो शाहरुख खान का लड़का पकड़ाया था ना, तो उस पर किसका छापा पड़ा था, एनसीबी का, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ब्यूरो, ठीक है। ये किससे रिलेटेड जो कि छापा मारती है, जांच करती है, तो ड्रग्स वगैरह से रिलेटेड, ठीक है, ड्रग्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रग्स हिंदी में क्या कहेंगे, नशीले पदार्थ,
नशीले पदार्थ से रिलेटेड, इतना क्लियर है? ओके, फिर हमारे देश के बाहर अगर कोई जानकारी इंफॉर्मेशन लानी है तो उसके लिए हमारे देश की सबसे जो बेहतरीन डिपार्टमेंट है रॉ, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, एनालिसिस विंग ये क्या करती है? देश के बाहर काम करती है, आउटसाइड ऑफ द कंट्री। ठीक है, देश के बाहर काम करती है। अब क्या हुआ था कि एक बार ना एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई जैसा बकलोल प्रधानमंत्री कहीं नहीं हुआ। वो भाई साहब को जब वो प्रधानमंत्री थे तो उनके समय में पाकिस्तान क्या कर रहा था कि एक न्यूक्लियर वो बना रहा था। ठीक है, पाकिस्तान न्यूक्लियर अपना मिसाइल बना रहा था, और इसकी जानकारी जो है हमारे रॉ वालों ने किसे दी? इंडिया को दी। तो कैसा होता है कि ऐसे जगह पर वो ओटाबाद या कौन सा तो प्लेस का नाम मुझे करेक्टली याद नहीं है, ओक्टाबाद ऐसे समथिंग कोई नाम था, वहाँ पर किसी को जाने की परमिशन नहीं थी। ठीक है, तो हमारे जो रॉ वाले थे वो क्या किए कि पहले कुछ लोग ना रिक्शा चलाने वाले बन गए, और रिक्शा चला करके जो भी वहाँ से अब साइंटिस्ट वगैरह हैं वो लोग तो कहीं ना कहीं से रिक्शा वगैरह लेते थे और फिर वहाँ जाते थे, या किसी के पास खुद की अपनी गाड़ी होती थी अपनी गाड़ी से जाते थे। लेकिन कुछ साइंटिस्ट जो थे जो न्यूक्लियर प्लांट में काम करते थे तो ना वो जहाँ बाल कटवाने आते थे वहाँ से ना हमारे रॉ वाले क्या बन गए? बाल बीनने वाले बन गए, हेयर। क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर कोई काम करता है तो उसके हेयर का जो डीएनए होता है ना, स्ट्रक्चर होता है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जब तू उसका बाल कटा हुआ है उसका बाल, उसको तू जाएगी और लैब में टेस्ट करेगी तो तुझे पता चल जाएगा कि ये बंदा जहाँ काम कर रहा है वहाँ पर कोई न्यूक्लियर रेडिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उन लोगों ने जो साइंटिस्ट था उसका जो कि क्या किए, बाल वाल जो कटाता था उसको इकट्ठा किए और लैब में भेजे, टेस्ट किए, तो पता चला कि ये जो है वो किसी न्यूक्लियर प्लांट में ही काम कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ी जानकारी मिली कि अच्छा कहाँ पर है और कैसा जो कि कौन सा चीज़ के बारे में। अब इनको ये पता चल गया कि न्यूक्लियर में काम हो रहा है, लेकिन ये पता नहीं चला कि किसका काम हो रहा था। तो ये जो साइंटिस्ट था ना, इसका एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दूसरी औरत के साथ संबंध था, और वो रॉ वाले ने फोटो वोटो खींच के मस्त इसको पकड़ लिए। अब बोले देख तू हमें जानकारी दे दे तो बेहतर है कि तेरे घर पे हम कुछ नहीं बताएंगे, अगर तूने हमें जानकारी नहीं दी तो तू जो बम बना रहा है वो तो फूटेगा, लेकिन तेरे घर पर भी एक बम फूटेगा ये जो हम फोटो भेजेंगे। ठीक है, तो वो जो साइंटिस्ट था उसने बोला कि ठीक है, और पैसे वैसे भी लिए और सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया कि ऐसा ऐसा है जो कि बम बना रहा है। अब जब चीज़ें हो गई तो उस चीज़ को ना डिस्ट्रॉय करने के लिए भारत के जो रॉ वाले थे उन्होंने इसराइल से बात करी, तो इसराइल बोला कि कोई नहीं, हम जो है उस प्लांट को ही उड़वा देंगे। वो क्या करते हैं कि किसी साइंटिस्ट को भेजेंगे और वहाँ पर एक बॉक्स टाइप में लेकर के जाएगा और वहाँ रख देगा, और वो बॉक्स में बम बिम रहेगा, वो पूरा का पूरा प्लांट उड़ जाता। ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें इतना बड़ा कुछ करना है तो पहले यहाँ के प्रधानमंत्री से अप्रूवल चाहिए रहेगा ना। तो जब वो चीज़ भेजा उन लोगों ने भारत में, ये मोरारजी देसाई के पास, ये गधा इतना हरामी, देखा अच्छा ऐसा ऐसा है, ये फ़ोन करके उसको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बोला हमें सब पता है तुम जो कि न्यूक्लियर बम बना रहे हो, हमारे रॉ वाले ने सब बता दिया है। अब बताओ जिस चीज की जानकारी पाकिस्तान के सिर्फ प्रधानमंत्री को थी, अब किसी दुश्मन देश का प्रधानमंत्री फोन करके उसे उसी चीज की जानकारी दे रहा है तो उसको शौक लगेगा कि नहीं लगेगा? पागल हो जाएगा वो।
है ना, कि अरे बाप इन लोग को कैसे पता चल गया। और इस गधे के इस बेवकूफ़ी की वजह से रॉ के 150 जो एजेंट थे वो पकड़े गए, और उन लोग को बहुत बेरहमी तरीके से 3-3 सालों में मारा गया, 3-3 सालों तक टॉर्चर करके मारा गया था। ठीक है, और इस मोरारजी देसाई को पाकिस्तान ने एक अवार्ड दिया था, अपने देश का सबसे बड़ा अवार्ड, निशाने पाकिस्तान। ठीक है, हाँ वो अच्छा हुआ साला पूरे वो टाइम तक था नहीं वो। मोरारजी देसाई जो दिखता है वो ठीक है। तो ये स्टोरी, ये मोरारजी देसाई, यही मोरारजी देसाई का वो पहला मतलब ये था कि पूरे भारत में पहली नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट आई थी, उसको भी गोवर कर दिया था गधे ने। उसके बाद फिर इसकी गवर्नमेंट आई नहीं। देसाई ठीक है, ओके इतना क्लियर हो गया। ओके अब देश के अंदर ही अगर कोई खुफिया जानकारी जुटाना रहता है या खुफिया जानकारी के बारे में बताना रहता है तो देश के अंदर काम करती है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ब्यूरो ये कहाँ काम करती है? देश के अंदर, इनसाइड। कंट्री, क्लियर है? ओके उसी तरीके से अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी के बारे में हमें पता करना है, ठीक है, टेररिस्ट कोई पकड़ा गया है उससे डील करना है, तो उन सबसे डील करने के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये किससे डील करती है? टेररिज्म से, ठीक है? ओके वैसे ही मिलिट्री की अपनी एक इंटेलिजेंस यूनिट होती है, ठीक है, जो मिलिट्री में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, दूसरे देश की मिलिट्री क्या काम कर रही है उसका पता लगाते हैं, उसे कहते हैं MI, मिलिट्री इंटेलिजेंस। MI मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये मिलिट्री की खुफिया एजेंसी होती है, ठीक है, मिलिट्री की खुफिया एजेंसी यानी आर्मी ने, आर्मी की रहती है। ठीक है, और तूने ना मुखबिर के बारे में सुना होगा, मतलब कि कोई पुलिस वाला है, अगर तू IPS वगैरह बन गई तो तुझे जिस एरिया में डिप्यूट किया जाएगा, फिर उस एरिया में तू किसी चाय वाले, किसी भंगार वाले, किसी दुकान वाले के साथ अपना अच्छा संबंध बनाएगी और उसको बोलोगी कि मुझे इन्फॉर्मेशन देना ऐसा ऐसा करके, हाँ तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मुखबिर कहते हैं। ठीक है, तो वो भी लोकल लेवल पर एक यूनिट होता है, उसे कहते हैं LIU, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। हाँ अरे बाप रे बाप,
अरे ठीक है, ऐसे कहते हैं मुखबिर। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। और इस तरीके से हमारा जो डिपार्टमेंटल और रेड वाला जो सिस्टम था वो ख़त्म होता है। ठीक है।